Hey guys, what's up? So, कौन नहीं चाहता गुड लुकिंग दिखना, कौन नहीं चाहता स्टाइलिश दिखना, हर कोई चाहता है गुड लुकिंग स्टाइलिश दिखना। पर दिक्कत यह है कि लड़कों को ये पता नहीं होता कि गुड लुकिंग और स्टाइलिश दिखे कैसे, और फिर वो अपने दोस्तों की सलाह लेते हैं, और दोस्तों की सलाह की वजह से लड़के अपने बेस्ट वर्जन बनने की जगह वो अपना वर्स्ट वर्जन बन जाते हैं। इसलिए आज से आपको अपने दोस्तों की सलाह लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको 8 इजी एंड सिंपल थिंग्स बताऊंगा टू लुक बेटर, जिसे अगर आप करोगे तो आप इंस्टेंटली बेटर लुकिंग लड़के बन जाओगे। उससे पहले, अगर आप लव डक की ये पहली वीडियो देख रहे हो तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैं वीडियो सिर्फ उन भाइयों के लिए बनाता हूं जो भाई डार्क स्किन या सांवले हैं, क्योंकि इस चैनल का मोटिव है कि मेरे तरह जितने भी डार्क स्किन या सांवले लड़के हैं वो अपना बेस्ट वर्जन बन सके। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, दीपक शाह ऑफिशियल के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो पहला इजी एंड सिंपल चीज जो आप कर सकते हो टू लुक बेटर वो ये है कि जब भी आप कपड़े खरीदना तो हमेशा हाई क्वालिटी फैब्रिक वाले कपड़े खरीदना, क्योंकि हाई क्वालिटी फैब्रिक वाले कपड़े में एक अलग ही शाइन होता है जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, और हाई क्वालिटी फैब्रिक वाले कपड़े बॉडी में अच्छे से फिट होते हैं और पहनने में कंफर्टेबल होते हैं, और हाई क्वालिटी फैब्रिक वाले कपड़े काफी लास्ट लॉन्ग भी चलते हैं। एग्जांपल के लिए मैं टी शर्ट को लेता हूँ, बहुत से लड़के सस्ते के चक्कर में 100-200 वाले टी शर्ट खरीद लेते हैं, बट वो 100-200 वाले टी शर्ट की फैब्रिक की क्वालिटी इतनी खराब होती है कि ना ही वो पहनने में कंफर्टेबल होती है और ना ही उसकी फिटिंग अच्छी होती है, और 2-3 वॉश के बाद ही कपड़े का रंग खराब होने लगता है। और बहुत से लड़के ठीक इसका उल्टा करते हैं कि वो एक 1200-1500 वाले ब्रांडेड टी शर्ट खरीद लेते हैं। अब नो डाउट ब्रांडेड कपड़ों की फैब्रिक की क्वालिटी एकदम हाई क्वालिटी की रहती है, बट उसके ब्रांड वैल्यू की वजह से ब्रांडेड कपड़ों की प्राइस काफी ओवर प्राइस्ड रहती है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ना ही सस्ते कपड़े खरीदना और ना ही महंगे कपड़े खरीदना, आप सस्ते और महंगे के बीच के कपड़े खरीदना, क्योंकि इस रेंज के अमाउंट के कपड़े ब्रांडेड तो नहीं होते हैं बट कपड़े का फैब्रिक वही यूज किया हुआ रहता है जो ब्रांडेड कपड़ों में यूज होता है, जिसके वजह से बीच के रेंज के अमाउंट वाले कपड़े वैल्यू फॉर मनी भी होते हैं और कपड़े बहुत दिनों तक चलते भी है, और इसे पहनने के बाद आप गुड लुकिंग दिखते हो। दूसरा टिप है, वेयर डार्कर कलर क्लोथ्स, जैसे ब्लैक, नेवी ब्लू, ग्रे, मरून, ऑलिव ग्रीन, ये सब कलर के कपड़े पहना करो, क्योंकि ये सब कलर्स मिस्टीरियस कलर्स होती है, और इन सब न्यूट्रल कलर्स के कपड़ों में हम डार्क स्किन लड़के बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। बहुत से डार्क स्किन लड़के ये गलती करते हैं कि वो पीला, लाल, ब्लू, हरा, ये सब कलर के कपड़े पहनते हैं। ये सब कलर पहनने से, सही बता रहा हूं, हम एकदम चोर जैसे लगते हैं, क्योंकि ये सब कलर हमारे स्किन टोन को हाइलाइटेड करते हैं। इसलिए जो न्यूट्रल कलर मैंने आपको बताया उन्हीं सब कलर के कपड़े को पहनना, क्योंकि ये सब कलर हमारे स्किन टोन को हाइलाइटेड नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हम गुड लुकिंग दिखते हैं। तीसरा टिप है, जब भी आप जींस खरीदना तो हमेशा स्लिम फिट जींस खरीदना। बहुत से लड़के क्या करते हैं कि वो या तो स्किनी फिट जींस खरीदते हैं या तो वो ओवरसाइज जींस खरीदते हैं, और ये दोनों ही जींस उतनी खास नहीं होती है, क्योंकि स्किनी फिट जींस पहनने में कंफर्टेबल तो जरूर होती है बट स्किनी फिट जींस हद से ज्यादा स्ट्रेचेबल होता है, जिसकी वजह से उसे पहनने के बाद वो पैर में एकदम चपक जाता है, जिसकी वजह से पैर काफी स्किनी लगता है और लड़कों के पैर एकदम लड़कियों जैसे लगते हैं। और रही बात ओवरसाइज जींस की, तो ये जींस भी पहनने में कंफर्टेबल जरूर होती है बट इस जींस की फिटिंग एकदम वाहियात होती है, जो दिखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसलिए आप हमेशा स्लिम फिट जींस लेना। इस जींस की फिटिंग भी एकदम परफेक्ट होती है और ये दिखने में भी काफी अच्छी लगती है, जिससे आप बेटर लुकिंग दिखोगे। चौथी चीज जो आपको करनी चाहिए बेटर लुकिंग दिखने के लिए वो ये है कि अगर आपकी बियर्ड सही से नहीं आती है, पैची बियर्ड आती है, तो क्लीन शेव रहा करो। देखो, ये बात फैक्ट है कि बियर्ड रखने से हम लड़कों का फेस काफी अट्रैक्टिव लगने लगता है, क्योंकि ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूँ, और मैंने मेरे बियर्ड को कैसे ग्रो किया इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप यहाँ पे क्लिक कर उस वीडियो को देख सकते हो। उस वीडियो में मैंने हर एक पॉइंट पूरा डिटेल में बताया है कि आप अपने बियर्ड को कैसे ग्रो कर सकते हो, बट अगर वो सब करने के बावजूद भी आपकी बियर्ड ग्रो नहीं होती है तो क्लीन शेव रहा करो, क्योंकि देखो हर कोई का एक एज होता है जब उसकी बियर्ड एकदम अच्छे से ग्रो होती है। किसी किसी की 16 की एज में ही बियर्ड ग्रो हो जाती है तो किसी किसी की 25 की एज में। तो अगर अभी आपकी बियर्ड अच्छे से नहीं आती है, पैची बियर्ड आती है, मतलब किसी किसी जगह बियर्ड आती है और किसी किसी जगह नहीं आती है, तो क्लीन शेव रहा करो। इसमें आपका फेस ज्यादा शार्प और अट्रैक्टिव दिखेगा, क्योंकि पैची बियर्ड से फेस काफी अनहाइजेनिक और अनस्ट्रक्चर्ड लगता है। फिफ्थ टिप भी बियर्ड से रिलेटेड ही है, वो है कि हमेशा अपने बियर्ड के नेक के एरिया को क्लीन रखना, क्योंकि जिस तरह पैची बियर्ड दिखने में खराब लगती है, उसी तरह अगर आपकी बियर्ड आती है और उसे आप जंगल की तरह उगाए जा रहे हो तो वो भी दिखने में खराब लगती है। इसीलिए अगर आपकी बियर्ड आती है तो हमेशा अपने नेक बियर्ड को क्लीन करके रखना। भले ही ये छोटी सी चीज है बट इसके वजह से फेस काफी अट्रैक्टिव लगने लगता है। एग्जांपल के लिए इन दो बंदे को देखो, अब कौन सा बंदा आपको ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है? ऑब्वियस सा बात है, राइट वाला बंदा, क्योंकि उसका नेक का बियर्ड क्लीन है। इसीलिए अपने नेक के बियर्ड को क्लीन रखना काफी छोटी सी चीज है बट इसके वजह से फेस में काफी डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, इसीलिए हमेशा नेक को क्लीन रखना। छठी टिप है, वेयर एक्सेसरीज, जैसे वॉच, ब्रेसलेट, नेकलेस। एक्सेसरीज छोटी सी चीज है जिस पर बहुत से लड़के ध्यान नहीं देते हैं, बट यही छोटी सी चीज एक आउटफिट के लुक और उसके अट्रैक्टिवनेस को 20% तक बढ़ा देती है। मतलब अगर आपको आउटफिट पहन के 90% अट्रैक्टिव लग रहे हो बट एक्सेसरीज पहनने के
बाद आप वही आउटफिट में 90% की जगह 110% अट्रैक्टिव लगोगे। इसलिए बेटर लुकिंग दिखने के लिए एक्सेसरीज जरूर पहनना। सातवीं टिप है, यूज अ गुड क्वालिटी परफ्यूम। क्योंकि देखो, ये ह्यूमन नेचर है, हमें खुशबूदार चीजें पसंद है। इसलिए आप चाहो कितना भी अच्छा ड्रेसिंग क्यों ना कर लो, आप चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना दिखो, बट अगर आप में से बदबू आएगी तो आप इंस्टेंटली लोगों के नजरों में अनअट्रैक्टिव दिखने लगोगे। इसलिए आज से ही आप अपनी ये हैबिट बना लो कि हर रोज सुबह नहाने के बाद जब आप कपड़े पहनोगे या जब भी आप बाहर जाओगे तो एक अच्छा सा परफ्यूम लगा लेना। एंड फाइनली आठवीं चीज जो आप कर सकते हो गुड लुकिंग दिखने के लिए, ये बहुत ही सिंपल चीज है, वो ये है कि हमेशा स्ट्रेट खड़े रहना। बहुत से लड़कों की आदत होती है इस तरह से झुक के खड़े रहने की, और लोगों के सामने इस तरह से झुक के खड़े रहने से आप ना ही सिर्फ अनअट्रैक्टिव और अंडर कॉन्फिडेंट दिखोगे बल्कि इससे आपको राउंडेड स्पाइन की भी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए हमेशा स्ट्रेट शोल्डर को बैक करके चेस्ट और चिन को अप करके खड़े रहना। इससे आपका स्पाइन स्ट्रेट रहेगा और आप टॉलर, कॉन्फिडेंट और गुड लुकिंग दिखोगे। तो ये थे वो 8 थिंग्स जो आपको करनी चाहिए टू लुक बेटर। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप डार्क स्किन या सांवले हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बगल में घंटे को भी दबा देना। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, दीपक शाह ऑफिशियल के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो जिससे कि हर डार्क स्किन या सांवले लड़कों की मदद हो सके। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए डार्क स्किन को अपनी कमजोरी नहीं, उसे अपना ताकत बनाओ।